भारत 2007 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, और 2011 में भारत वर्ल्ड कप जीता जब उस वक्त भी नरेंद्र मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, और 1983 में भी भारत ने वर्ल्ड कप जीता, उस वक्त भी मोदी जी का कोई भारत में नाम निशान नहीं था। पर जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 में भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, जब से नरेंद्र मोदी जी ने भारत का मैच देखना शुरू किया और भारत के प्लेयर को बधाई देनी शुरू की, जब से नरेंद्र मोदी के फॉलोअर अंधभक्तों ने मैदान में जाकर बीजेपी का प्रचार करना शुरू कर दिया, नरेंद्र मोदी का चेहरा वहां पर पहुंचाना शुरू कर दिया, ये मनहूसियत इतना ज्यादा फैली, ये नहुसत और पनौती इतना ज्यादा फैला कि 2014 में ही हमारा देश T20 वर्ल्ड कप फाइनल में हार गया, 2015 में ODI वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार गया, 2016 में T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार गया, 2017 में चैंपियन ट्रॉफी में भारत हार गया, 2019 में भारत ODI वर्ल्ड कप में हार गया, 2021 में वर्ल्ड कप टेस्ट क्रिकेट में भी भारत हार गया फाइनल में, और आज 2022 में सेमीफाइनल में भी भारत हार गया। और आपको पता है आज ही के दिन जय शाह ने भी ट्वीट कर भारतीय टीम के लोगों को बधाई दी थी, कहा था कि अच्छे से खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये पनौती अकेले मोदी के अंदर नहीं है, और दूसरा सबसे बड़ा गलती है हमारे देश के गोदी मीडिया की। अब देखो ये रिपोर्ट, ABP न्यूज ने कल के दिन मैच से पहले उन्होंने कहा कि 11 जोशी बताएंगे कि हम वर्ल्ड कप लाएंगे। ये भविष्यवाणी, ये जोशी, ये सब अंधविश्वास, जब आप क्रिकेट में घुसाओगे, अब आप सोचो, अब आप कहोगे कि भाई इसमें बुराई क्या है। इस न्यूज को अगर KL राहुल ने देखा होगा, रोहित शर्मा ने देखा होगा, या प्लेइंग 11 में खेलने वाले ये तमाम क्रिकेटर ने अगर ये न्यूज देखा होगा तो वो सोचेंगे, अरे आस्था तो यही कहती है कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे तो मेहनत करने की जरूरत क्या है, क्या इससे टीम का मनोबल खराब नहीं होगा, क्या इससे उनका सोचने समझने का नजरिया अलग नहीं होगा। अरे अंधभक्ति और अंधविश्वास का एक वक्त होता है, उसे हर जगह कहीं इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए, पर गोदी मीडिया को समझ में नहीं आता है। यहां पर मैच चल ही रहा था और वहां गोदी मीडिया बता रही थी, देखिए भारत से हारने के लिए जीता बाबर सेना। अरे ये पाकिस्तान का मैच चल रहा था, पाकिस्तान के मैच में भारत का क्या काम है। दूसरा, 13 क्या होगा पाकिस्तान, अब आ रहा हिंदुस्तान। ये बड़े बड़े बोल और बड़े बड़े घमंड ऊपर वाले को भी पसंद नहीं है। आप जिस धर्म से भी मानते हो, जब घमंड बीच में आएगा ना तो आपका तमाम घमंड चूर चूर हो जाएगा। तीसरा उनका था, बाबर के घर में विराट की जय। अरे भाई ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, कोई बताए रूबी का लियाकत को, यह वर्ल्ड कप पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, बाबर के घर में विराट की जय, क्या है सब, ये कब हमारा है। वाह भाई वाह, भारत के टीम को भी इतना विश्वास नहीं, इतना विश्वास इनको है, घमंड में इतना चुर, क्योंकि ये पूरा रेडी थे, गोदी मीडिया रेडी थी कि जैसे टीम इंडिया कब जीतेगी वापस एक न्यूज चलेगा, मोदी आए कब जीता है। पर अब ऐसा हो गया, मोदी पनौती, भारत ऑस्ट्रेलिया से कटौती, और क्या बोल सकता हूं मैं इससे ज्यादा। तो गोदी मीडिया को थोड़ा सा लाइन मिलाना चाहिए। हमारे देश के क्रिकेटर का मैं आपको ट्वीट दिखाना चाहूंगा, वेंकटेश प्रसाद जो कि भारत के मेरे ख्याल में बॉलिंग करते थे, वो बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे, जब नेदरलैंड से साउथ अफ्रीका हार गई उन्होंने ट्वीट किया था, सो भगवा हैज हेल्प पाकिस्तान रीच द सेमीफाइनल। चूंकि नेदरलैंड का जो जर्सी का कलर है वो भगवा है, अब भगवा चूंकि हिंदुत्व के लिए बहुत उनका धार्मिक कलर है, अब उस चीज को ये क्रिकेट में घुसा रहे हैं कि भगवा की वजह से ये लोग पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाई। अरे भाई क्या, खैर मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। तो एक तरफ भगवा का एंगल था, दूसरी तरफ हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी का ऐसा पनौती कि देश में महंगाई भी बढ़ रही है और टीम इंडिया कोई वर्ल्ड कप जीत ही नहीं पा रही है, और जब तक मोदी जी टीम इंडिया का वर्ल्ड कप जीत पाना लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है, आगे अल्लाह की मर्जी हमें नहीं पता। और एक बात और है, जब से आप देखोगे जय शाह जब से BCCI के एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, जब से तब से टीम इंडिया में प्लेइंग 11 में ऐसे सॉलिड प्लेयर हमें नहीं मिले हैं जो मिलने चाहिए। 130 करोड़ की आबादी भारत में, करोड़ों लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्या वजह है कि वो टैलेंट भारत के टीम इंडिया तक पहुंच नहीं पा रहा, क्या वजह है। तो मेरे हिसाब से इतना खराब हार के बाद जय शाह को BCCI से निकाल देना चाहिए। अगर आपको भी लगता है निकाल देना चाहिए तो धड़ाधड़ वीडियो को शेयर करो। और वीडियो खत्म होने से पहले मैं एक बात और कहूं कि जिस हिसाब से रोहित का पेट निकला हुआ, जिस हिसाब से, आपको क्या लगता है कि इनको T20 वर्ल्ड कप और आगे खेलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो नहीं खेले, इनको ODI को कैप्टन बने रहना चाहिए, और जो वर्ल्ड कप आने वाला है 2 साल बाद,
इन्हीं को कप्तान रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी ओडीआई में ये बहुत अच्छे बैट्समैन है, पर T20 में बटरस करना भी मुश्किल है, तो इनको रिटायर ले लेना चाहिए T20 वर्ल्ड कप से। हाँ, मैं कप्टनसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्लेयर रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ। तो आप कमेंट पर जरूर रोहित शर्मा के बारे में बताएं, इनको आगे जाकर T20 खेलना चाहिए या नो। और विराट कोहली के लिए मैं कहूंगा इन्हें आगे भी T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर दम है बॉस, पर रोहित शर्मा को नहीं, और केएल राहुल को तो भाई छोड़ ही दो। तो अब इस पनौतीपन का इलाज क्या है, कैसे टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, कैसे, क्योंकि जब तक मोदी जी तब तक अब जान रहे क्या होने वाला टीम इंडिया का। तो मेरे ख्याल में इसका इलाज है असदुद्दीन ओवैसी साहब। असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर भारत में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो मेरी आस्था है, आस्था समझ रहे ना, आस्था आस्था सो कॉल्ड आस्था, जिस आस्था के बुनियाद पर बाबरी मस्जिद का राम मंदिर बनाया गया, उस आस्था के बुनियाद पर मेरी आस्था है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, और आपको भी अगर लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो हमारा देश T20 वर्ल्ड कप भी जीतेगा और हमारा देश वर्ल्ड कप भी ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीतेगा, और इसमें मेरी पूरी आस्था है। आप में से जितने लोगों की अगर आस्था है, अगर आपकी भी यही आस्था है कि पीएम बनना चाहिए ओवैसी साहब को, तो इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आपकी आस्था क्या है, क्या आप मोदी जी को पनौती मानते हैं, हाँ या ना, अगर मानते हैं तो कमेंट में लिखिए मोदी जी पनौती है, और अगर आपको लगता है कि जय शाह को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए तो कमेंट में डालिए कि जय शाह को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अगर आपका मानना है कि ओवैसी साहब को पीएम बन जाना चाहिए जिससे देश का भविष्य उज्ज्वल हो, तो आपको कमेंट में यह भी डालना चाहिए। बल ये वीडियो बस इतनी ही तक, हमारे यूट्यूब चैनल द पर्टिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पर्टिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो उसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। एक बार और, इस वीडियो से किसी को आहत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी सच में पनौती है, ये बात प्रूफ है, और अगर कोई आहत हुआ भी है तो दिल से सॉरी, पर अगर कोई अंधभक्त आहत हुए तो भाड़ में जाओ।